ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आने वाले 100 दिनों के अंदर, या यूँ कहे जाए कि अगला महीना और आने वाले 100 दिन जो है उसमें कुछ 5 घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं और इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना भी चाहिए और इनकी सावधानी भी रखना चाहिए। मैं ये कोई भी वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप इन घटनाओं से, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से, आप उनसे सुरक्षित हो सकते हैं, बच सकते हैं और आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। बस इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो इन 5 चीज़ों को समझ लो और समझने के साथ साथ इसमें अगर कुछ चीज़ें जा रही है तो उन पर अमल भी कर लीजिएगा, ताकि आप एक बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर अपने कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फीस लागू है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में अपनी एक राय जरूर लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहली बात कि आने वाले 100 दिनों के अंदर अंदर आपके साथ कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से छल कपट करेगा। अब यहाँ से सावधानियाँ भी समझ लीजिएगा कि कौन सी चीज़ हमें क्या करनी है। पैसा देना या लेना, दोनों चीज़ों में हमें अतिरिक्त सावधानी रखना है, क्योंकि इन आने वाले दिनों में आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति हमारे साथ छल कपट कर सकता है। कई बार रिश्तेदारी में हो सकता है, कहीं भी सिचुएशन हो सकता है। तो पैसे अगर कोई मांगता है आपसे, तो आपके पास अगर 100 रुपये हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आप उसे उसकी डिमांड कम ही पूरी करें, अन्यथा वो पैसा डूबने की बहुत हद तक गुंजाइश है। तो इस चीज़ों से बचना है हमें। दूसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर इस दरमियान कोई भी विवादित स्थितियाँ किसी अन्य व्यक्ति की है जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनसे आप दूरी बना के रखना, क्योंकि लीगली मैटरों में और इस तरह की सिचुएशन में हमारे साथ हमारे ही अपने छल कपट कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इन चीज़ों को आप समझे। किसी भी व्यक्ति का अन्य का मैटर हो, आपकी जो सपोर्ट बने बाहर तौर पर आप कर दें, पर उसमें आप ना कूदें, क्योंकि आप भावुक हैं, सरल हैं, इस वजह से हमारा कोई नुकसान या हम उसमें बेफिजूल में ना आ जाए। तीसरी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो भी लोगों के अवैध संबंध हैं, उनका पारिवारिक जीवन है, उनके लिए ये जो आने वाले 100 दिनों में ये बहुत सबसे ज़्यादा संकटमय रहने वाला है। तो ऐसे संबंधों को मैं पहले तो कहता हूँ कि ये सब चीज़ें गलत हैं, पर मैं आपके किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में बात नहीं करता हूँ, पर इन सब चीज़ों को लेकर आपको अतिरिक्त सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, चौथी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो भी गोपनीय बातें हो, जो भी सीक्रेट बातें हो, रिवील ना करें, क्योंकि वही कोई लोग जो शत्रु है हमारे, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं।